हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लड्डू गोपाल जी की सुबह से लेकर रात के तक की ठाकुर जी की दिनचर्या क्या रहेगी, ये भी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो भाद्रपद मास के पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। तो सुबह में सबसे पहले आप जल्दी उठें, गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद में आप अपने घर के मंदिर में आकर के मंदिर को साफ सुथरा करें, स्वच्छ कर लें। उसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी का, अपने इष्ट देव का पूजन करें, भगवान का अभिषेक करें। तो देखिए भक्तों, जिस प्रकार से आप प्रतिदिन अपने लड्डू गोपाल जी को जगाते हैं, दूध पिलाते हैं, चाय पानी देते हैं, उसके बाद में आप स्नान की तैयारी करते हैं, सेम वैसे ही प्रोसीजर सुबह सुबह में करना है। तो देखिए, हम कराने वाले हैं लड्डू गोपाल जी का स्नान। तो देखिए, हमने एक पात्र लिया है, पात्र में चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। चंदन जो है ठंडा माना जाता है और चंदन लड्डू गोपाल जी को, हमारे ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय होता है, तो आप चंदन का प्रयोग जरूर से जरूर करें। यदि आपके पास पीला चंदन नहीं है, सफ़ेद चंदन भी ले सकते हैं, चंदन ठंडा माना जाता है। उसके बाद में जल, गंगा जल मिश्रित जल में थोड़े से पुष्प डाल करके हम अभिषेक कराएंगे। तो देखिए, आप किसी भी पवित्र नदी का जल ले सकते हैं। बाद में अपने ठाकुर जी को बड़े प्रेम से उठाएं, उनके वस्त्र निकालें अच्छी प्रकार से, और सुबह के समय आप दोनों समय भी करा सकते हैं, सुबह और रात्रि में, और नहीं तो आप रात्रि के समय पंचामृत स्नान जरूर से कराएं। तो देखिए, हम सबसे पहले चरण धुला लेंगे, हाथ मुंह धुलाएंगे और इस प्रकार से, और साथ में सफ़ेद चंदन से यानी सुदोधक गंदोधक स्नान कराएंगे। तो आप चंदन कोई सा भी ले सकते हैं, गोपी चंदन ले सकते हैं। तो गंगा जल मिले हुए जल से ही ठाकुर जी को स्नान करा दें। इस प्रकार से भक्तों, जो जन्माष्टमी है इस साल सोमवार को पड़ रही है, सोमवार को मनाई जाएगी, क्योंकि कान्हा जी का जन्म अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो इस रात को आपको अष्टमी तिथि भी मिल रही है और रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है। अच्छा, अष्टमी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत अगर आप करते हैं तो व्रत का संकल्प आप सुबह में ही ले लें, और अष्टमी का व्रत हम सभी को जरूर से करना चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ पर सुदोधक स्नान करा देंगे। तो सुबह में आप इस व्रत, इस तरह से स्नान करा करके ठाकुर जी को और उनके वस्त्र जरूर से धारण करवाने हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर सुदोधक स्नान करा देंगे। जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी को स्पेशल फील कराना होता है, क्योंकि आज इनका जन्म दिवस है, और इसके लिए आप दो जोड़ी वस्त्र भी ला सकते हैं। गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें, आप चाहे तो पंचामृत से भी अभिषेक करा सकते हैं, दोनों समय भी करा सकते हैं, या फिर एक समय रात्रि में भी कराएं। तो इसके बाद में हम सुदोधक स्नान कराएंगे। तो देखिए, अगर ना हो सके तो कम से कम आप एक जोड़ी नए वस्त्र जरूर से लाएं, नए गहने लाएं। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो व्यवस्था जरूर से कर लें। इस दिन बांस की बांसुरी भी जरूर लाएं, चांदी की बांसुरी भी आप उन्हें गिफ्ट में दे सकते हैं। तो देखिए, हम टावल से अंग पोषण कर देंगे, इस प्रकार से प्रेम से आराम से हमें पोछना है, ताकि जो जल है शरीर पे ना रहे, नहीं तो हमारे लड्डू बाबू काले पड़ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो जल है इसमें चंदन मिला हुआ है, तो आप किसी गमले आदि में डाल दीजिएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर अंग पोषण करने के बाद में लड्डू गोपाल जी को चमेली का या गुलाब का इत्र लगाएंगे, सेवा देंगे उन्हें भी साथ में। अगर आपके घर में राधा रानी है तो उन्हें भी आप विराजमान करें, इसी तरह से उनका श्रृंगार करें, पोशाक पहनाएं। और देखिए, विष्णु भगवान जी को पीताम्बरी भी कहा जाता है, तो आज हो सके तो पीले रंग का वस्त्र जरूर से पहनाएं अपने लड्डू गोपाल जी को। इसके अलावा, अगर अभी तक आपके घर के मंदिर में गाय और बछड़ा नहीं है, गाय माता, तो आप उन्हें जरूर से लाएं, कान्हा जी को गिफ्ट करें और हमेशा उन्हीं के पास में रहने दें, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में गाय माता का होना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा, आप उनके लिए खेल खिलौने, अष्ट सखियां, जो भी आप उनके लिए लाना चाहते हों वो ला सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से हमें लड्डू गोपाल जी को ताजे जो हैं फूल आदि से श्रृंगार करना है। तो ध्यान रखिएगा, अष्टमी तिथि के दिन या रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है,
तो एक दिन पहले ही आप तोड़कर रख लें। इसके बाद हम जो है लड्डू बाबू को बांसुरी दे देंगे। तो देखिए हमारे लड्डू बाबू का श्रृंगार हो चुका है। अब सिंहासन पर हम थोड़े से फूल छिड़क देंगे। और देखिए आप चाहें तो आज के दिन कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। कलश की स्थापना करना जन्माष्टमी पर बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप लड्डू सुबह के भोग में आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगता हो तो आप भोग जरूर से लगाएं। तो देखिए हम यहाँ पर जो कि दीपक का फूलों का आसन दे करके हम यहाँ पर धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व क्या है सनातन धर्म में। कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के अवतार आठवें अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण भगवान ने ही धरती को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी, इसलिए ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो देखिए हम गौ माता का भी चंदन रोली अक्षत से पूजन करेंगे। इस प्रकार से प्रेम पूर्वक हमें ये पूजन करना है, अक्षत समर्पित कर देंगे तभी हमारा जो टीका है संपूर्ण माना जाता है। तो देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत सूर्य उदय से होकर शुरू होकर के अगले दिन सूर्य उदय तक रखा जाता है। जो व्रत रखते हैं इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा गौ माता को अर्पित कर देंगे। जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे व्रत से एक दिन पहले यानी कि सप्तमी तिथि को हल्का और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ लड्डू गोपाल जी को पुष्प समर्पित कर देंगे। आप कोशिश करें ताजे फूल समर्पित करें, इससे हमारा जो वातावरण है सुगंधित रहता है। जल का भोग लगाएंगे, इस प्रकार से तुलसी पत्र डाल देंगे और जो भी आपके पास ऋतु फल हो उसका भोग आप अवश्य रूप से लगाएं। तो देखिए इसके बाद में जन्माष्टमी के दिन सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और जो लोग व्रत इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है इस बात का ध्यान रखिएगा, तो लेकिन आप फलाहार ले सकते हैं। पूरे दिन व्रती व्रत रहने के बाद रात में 12 बजे पूरे विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, इसके बाद व्रत का पारण करते हैं। तो देखिए हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे। वहीं कई लोग जन्माष्टमी का व्रत का पारण अगले दिन सूर्य उदय के बाद में करते हैं, इस बात का भी विशेष महत्व होता है। तुलसी मंजरी सहित अर्पित कर देंगे लड्डू गोपाल जी को इस प्रकार से। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप आप जरूर से करते रहिएगा। भक्तों कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की जन्म की खुशी में मनाया जाता है। हिंदू जो है रात्रि आधी रात में भगवान श्री कृष्ण आठवें अवतार में जन्म लेते हैं। तो देखिए जो भोग प्रसाद है इस तरह से हम साइड में कर देंगे। तो देखिए भक्तों जो ये पूजन है आप सुबह सुबह में इसी तरह से पूजन करें, और जो है हमें शाम के 7 बजे यानी शाम के 7 बजे हमें यहाँ पर इन्हें सुलाना है। जैसे आप खीरे से जन्म कराना होता है इसी तरह से हमें खीरे से जन्म कराने के लिए हम सबसे पहले इन्हें फूलों में ढक देंगे। तो इस तरह से हम ढकेंगे और ढकने के बाद में जैसे कि तुलसी दल जरूर साथ में रखें तभी उनका जन्म होगा। तो देखिए जब जन्म होता है ना तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम फूलों से ढक देंगे शाम को 6 बजे तक, रात के 12 बजे तक हम इस तरह से फूलों से ढक देंगे। तो इन्हें यहाँ पर शोरगुल नहीं होना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए। साथ में हमें खीरा यानी ककड़ी, कोई खीरा या ककड़ी भी बोलते हैं, तो ये रख देना है। और साथ में 1 रुपए का सिक्का साथ में रखना है या फिर चांदी का सिक्का रखना है। इस तरह से हम लाल कपड़े से या पीले कपड़े से हम ढक देंगे। तो इस तरह से हम ढक देंगे और रात्रि 12 बजे तक इसी तरह से रखना है। और जब इनका जन्म होता है ना तो मंदिरों में घंटी बजने लग जाती है, शंख घड़ियाल बजते हैं और टीवी आदि में भी वो बताया जाता है कि कृष्ण जन्म हो चुका है। तो आप घंटी बजा करके शंख बजा करके आप अपने लड्डू बाबू को जन्म करा सकते हैं। तो कोई भी चीज ले सकते हैं जैसे घंटी शंख और छैना, जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उससे ले सकते हैं। तो इसी तरह से हमें जो है उठाना है लड्डू गोपाल जी को, ताली बजा करके उठाना है।
तो देखिए भक्तों, अब मैं बता देती हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी पर खीरा क्यों काटा जाता है। तो हम प्रेम पूर्वक से फूल हटा देंगे। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के समय खीरा काटा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जन्माष्टमी पर खीरे के तने को बच्चे की नाल समझकर श्री कृष्ण जी की जन्म के वक्त काटा जाता है। तो देखिए, जो भी हम खीरा काटेंगे, जिस तरह से घड़ी जिस दिशा में चलती है उस दिशा में काटना है, उल्टी दिशा में नहीं काटना है। तेज धार वाली चीज से बिल्कुल ना काटें, सिक्के से यानी चांदी के सिक्के से या प्रचलन सिक्के से काटना है। और ये जो पीछे वाला हिस्सा है, जो नाल हमने काटी है, वो नाल छेदन कहा जाता है। इसे घर के गमले में या मिट्टी में दबा देना है और बाकी जो खीरा है प्रसाद के रूप में खा लेना है। दरअसल इस दिन खीरे को भगवान कृष्ण के माता देवकी से अलग होने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कई जगह इस दिन खीरा काटने की प्रक्रिया को नाल छेदन भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमें जो है नाल छेदन किया जाता है, नाल काटी जाती है। इस तरह से खीरे से लड्डू गोपाल जी का जन्म कराया जाता है। फिर से हम एक पात्र लेंगे, उसमें चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे। देखिए, जन्माष्टमी के व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं। आप फलों में दूध, दूध, दही, कुट्टू और सिंघाड़े के आटे के अलावा आलू, साबूदाना आदि चीजों का सेवन कर सकते हैं। रात में जन्माष्टमी की पूजा के बाद आप अन्न भी खा सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य हो आप वैसा कर सकते हैं। और देखिए, आज के दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को मोरपंख गिफ्ट करें, चांदी की बांसुरी गिफ्ट करें। इस तरह से हमें फिर तुलसी का दल डाल करके सुदोधक यानी गंगा जल से, मिश्री जल से हमें यहाँ पर स्नान कराना है। ठाकुर जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करना है। पंचामृत से स्नान कराना है। आप भगवान ठाकुर जी से रिलेटेड भजन चलाएं, जन्माष्टमी से रिलेटेड भजन चलाएं और ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से अपनी पूजा संपूर्ण करें। तो देखिए, हमें आज ज्यादा से ज्यादा गाय के दूध दही का प्रयोग करना है। फिर सुदोदक स्नान करा देंगे। हो सके तो दूध आप दही घर की ही जमाई हुई का प्रयोग करें। यदि नहीं है तो आप मार्केट से ला सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस तरह से हमें मन ही मन में गुनगुनाना भी चाहिए किस तरह से हमें ठाकुर जी को प्रसन्न करना है। तो हमें स्पेशल फीर कराना होता है रात्रि 12 बजे। तो ये जो जल है आप इसे गमले आदि में डाल दीजिएगा, नई पोशाक पहनाइएगा। तो देखिए, जिस तरह से छोटे बच्चे होते हैं, जब नया नया जन्म लेते हैं तो उन्हें नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं, खुश होते हैं और बड़ी खुशी के साथ हमें उनका आदर करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो आप दर्पण जरूर से दिखाएं। और देखिए, हम जन्माष्टमी है तो नए नए पोशाक जरूर से पहनाएं। ताजे फूलों से हमें उनकी जो कि पूजा करनी चाहिए। तो देखिए भक्तों, इस तरह से हम कंगन जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप जरूर से पहनाएं, अच्छे अच्छे श्रृंगार करें। तो इसी तरह से हमें लड्डू गोपाल जी का पूजन करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना होता है। तो इसी प्रकार से जो है पूजन करना है। तो जो इसका शुभ मुहूर्त है पूजा करने का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो देखिए भक्तों, भगवान कृष्ण का जन्म माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। उनसे पहले देवकी जी के अन्य सभी 7 पुत्रों को कंस ने मार डाला था। कहते हैं, जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो जेल के सभी ताले अपने आप खुल गए थे और जेल पर पहरा देने वाले पहरेदार भी गहरी नींद में सो गए थे। तो देखिए, बातों बातों में हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया। कमेंट में जरूर बताइएगा हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसा लगा। तो देखिए, नजर का टीका हम कान के पीछे लगा देंगे इस प्रकार से। इसके बाद बाल कृष्ण को उनके पिता वासुदेव नंद गांव लेकर पहुंचे और उन्हें अपने दोस्त नंद बाबा को सौंप दिया। जब भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने अपने मामा कंस का वध कर सभी को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए श्री कृष्ण जी का जो है जन्माष्टमी का ये था कथा। तो देखिए, हम चंदन रोली से टीका कर दिए हैं और पुष्प अर्पित कर देंगे। इससे जो है हमारे बाल गोपाल ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। इसी तरह से हमें अपने लड्डू गोपाल जी का दिनचर्या जन्माष्टमी के दिन करना है। तो सारा दिन हमें इसी तरह से
जो है पूजन करना है। भोग प्रसाद में आप यहाँ पर मिठाई ले लीजिएगा, पंजीरी ले लिए यानी धनिया के, या फिर आटे की ले सकते हैं, पंचामृत ले लीजिएगा, शहद चटाने के लिए मिश्री ले लीजिएगा। इस तरह से ये हमें सामग्री लेनी है जो कि हमें भोग प्रसाद अर्पित करना है। और इस प्रकार से तुलसी पत्र आप जरूर से डालिएगा, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान जो है भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमें जो है भोग अर्पित करना है। तो देखिए भक्तों, जो है कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों को सजाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का श्रृंगार किया जाता है। तो देखिए जन्म हुआ है तो आज के दिन शहद ठाकुर जी को जरूर से चटाना चाहिए। तो देखिए भक्तों, और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का श्रृंगार किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष में झांकियां सजाई जाती हैं और निकाली जाती हैं। लोग अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का श्रृंगार करते हैं। इस दिन रात में कृष्ण जी को झूला झुलाया जाता है। तो देखिए हम पंचामृत यानी चरणामृत हम खिला देंगे। तो देखिए जब आप चरणामृत का स्नान कराते हैं तब आप चरणामृत अलग से भी रख सकते हैं। मिठाई का भोग लगाएं, उनका मुंह मीठा कराएं, बधाई दें कि जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। इस तरह से आप भजन गाएं, गुनगुनाएं, उनको प्रसन्न करें और अपने भाव प्रकट करें कि आप हमारे घर में जन्म लिया है, बहुत खुशी हुई, बहुत बधाई लें इस तरह से। और अंत में हमें करना होता है कपूर से आरती, आप लौंग कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, फिर रात में 12 बजे के करीब शंख और घंटे की आवाज से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जो है मनाया जाता है। तो इसी प्रकार से आप पूरे विधि विधान से अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना जरूर से करें, आरती करें। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाया जाता है। झूला कैसे झुलाया जाता है वो अब आपको दिखाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर आरती को ठंडा कर देंगे यानी पवित्रीकरण कर देंगे। तो देखिए भक्तों, जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण माता देवकी, नंदलाल, यशोदा मैया, वासुदेव, बलदेव और लक्ष्मी जी की विधिवत पूजन की जाती है। तो इसी तरह से जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा रात 12 बजे की जाने की परंपरा है। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से जरूर से निकाले। पूजा में रही कोई भी कमी होती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। इस जो भोग प्रसाद का है परिवार में जरूर बांटें, सभी में बांटें और खाएं, नजर उतार लें ताकि हमारे लाला को किसी की नजर ना लगे, उनकी बलाएं जरूर से लें। तो इस प्रकार से हमारी रात्रि जो है पूजन 12 बजे का हो जाता है, जन्म हो जाता है। और इसी तरह से जन्म कराने के बाद में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पालना में झूला जरूर से झुलाना चाहिए। यदि आपके पास झूला नहीं है तब आप क्या करेंगे, आप गेट में नीचे कुछ भी जैसे चुनरी का या पटड़ा रख कर आप झूला बनाएं, उसे सजाएं और उसमें लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएं। तो इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जो हो जाते हैं पूजन। तो देखिए भक्तों, दरअसल ये परंपरा इसलिए निभाई जाती है क्योंकि इस दिन खीरे को भगवान श्री कृष्ण के माता पिता से अलग होने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसी वजह से कई स्थानों पर जन्माष्टमी के दिन रात 12 बजे को खीरा काटा जाता है। आई होप आपको कृष्ण जन्माष्टमी की दिनचर्या पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे।